to identify people's personalities, psychology in job medical case. ये पूरा चीज है. आप सबके लिए एक सवाल है. We all are into business, right? Right? We are dealing with people, okay? तो हम people business में है. आपको कैसा लगेगा अगले 30 सेकंड में या एक मिनट के अंदर मिलते ही आपको एग्जैक्टली आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ये इंसान हाउ दैट पर्सन इज लाइकली टू बिहेव. अगर ये आप प्रेडिक्ट कर सके तो कैसा लगेगा आपको? बढ़िया रहेगा. सो द होल सेशन इज ऑल अबाउट दैट. प्लीज पे अटेंशन एंड यू लर्न अ लॉट. मेरे पास टाइम बहुत कम है. पहले डेट था, एक हो गया, अब बोले 45 मिनट में खत्म करो. वेट फॉर मी. ओके ठीक है. डिपेंड्स ऑन हाउ इंटरेस्टिंग आई विल बी. जस्ट टू गिव अ होल बैकग्राउंड. ये हमको क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है, अगर आपका टीम है, यू आर लीडिंग अ टीम, देन आपके एम्प्लॉयज या कस्टमर सारे लोग हैं. और ये कहा जाता है कि अगर आप लोगों को नहीं समझोगे, यू वोंट अंडरस्टैंड द होल बिजनेस ऑल्सो. तो ये इसलिए करना है. 87% ऑफ द बिजनेस चैलेंज इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ये मेरा नहीं है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू है जो 2002 में किया गया था. इंटरेस्टिंगली 2018 में जब मैं रीचेक किया था, ये नंबर, ये परसेंटेज चेंज ही नहीं हुआ था. इट वॉज स्टिल 87%. कितने लोग ऐसा मुश्किल फेस होता है यार, मैं जैसा बताता हूँ, मैं जैसा जो चीज इंटेंशनली बताया, सामने वाला एग्जैक्टली वैसा नहीं समझता है. ऑपोजिट करता है, नहीं करता है, समझता ही नहीं है. राइट? दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज. कितने लोग ऐसा फेस हुआ है यार, जाके ये काम खत्म कर. कब करूं सर? कितने क्वांटिटी? सिर्फ इन डिटेल. किसी को बोलते हो गो गो डू इट, लीव दैट टीम. एक मीटिंग रखे पहले, लेट्स डिस्कस एंड डू इट ना. हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस पीपल? ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू गेट इरिटेटेड विद दिस पीपल, दिस काइंड ऑफ? ओके, हां, आज पता चलेगा वो ऐसा क्यों है. सबसे इंपॉर्टेंटली, मैं ऐसा क्यों वो भी पता चलेगा. ओके, ये कहा जाता है कम्युनिकेशन या फिर लीडरशिप रोल में, यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द पीपल हु आर लाइक यू, बट यू आर वेरी एफिशिएंट विद द पीपल हु आर नॉट लाइक यू. So today we are going to reveal people who are not like us, who are very different from us, and maybe learn some tools how to collaborate with them, how to communicate with them. So psychogymnastics is one of the very very powerful communication tools right now. Iska outcome jo hai, what can you expect out of it is you will move from judgment to awareness. जो जजमेंट होता है ना यार, ये निठल्ला है, कितना लेजी है, ये डिसीजन लेने में बहुत टाइम लेता है, ये इतना टाइम क्यों लेता है कोई काम करने के लिए. These are the judgment, right? वो जजमेंट से आप अवेयरनेस में आप शिफ्ट हो जाएंगे. आज दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. रिस्पॉन्स रिएक्टिवनेस से रिस्पॉन्सिवनेस में जाएंगे. कुछ जैसे आपने खुद ने अभी आपने हाथ खड़ा किया कि कुछ लोगों को आप देख के आप इरिटेट फील करते हो, दैट्स अ रिएक्शन पार्ट. बट आज के बाद वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, ये पर्सन इसलिए है क्योंकि वो उसका पर्सनैलिटी वैसा है. यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो सर्वाइविंग इश्यूज चल रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर स्ट्रगलिंग विद क्लोजिंग द डील्स विद क्लाइंट्स? People person, मुझे थोड़ा नजदीक रहना पसंद आता है. Is that okay? And with your permission, can I remove my jacket? Is that okay? Yes. Okay. बना बना लगता हूँ. Okay. So let's play again. और psychogymnastics जो है, अगर मैं बात करूँगा, तो human personality जो है, Carl Jung ने जो design किया था, introvert, extrovert, intuitive. ये जो है वो सब है, वहां से आया था. एंड इट इज ओवरलैप विद द ब्रेन फंक्शनिंग. जब कोई बच्चा पैदा होता है, या तो लेफ्ट हेमिस्फेरिक ब्रेन लेके पैदा होता है या राइट हेमिस्फेरिक, डजंट मीन कि भाई वो एक साइड का ब्रेन चल नहीं रहा है. द थिंग इज, लेफ्ट वाले लोग कैसे होते हैं, लेफ्ट ब्रेन वाले कैसे होते हैं? नो, लॉजिकल, सिंपल, एल एल, लॉजिक. तो राइट वाले कैसे होते हैं? क्रिएटिव. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट ब्रेन चल नहीं रहा है उनका. They use more of their right brain. Okay, they process the data from the right brain. So they are more creative, more emotional people. So brain functioning. ये दो science से overlap करते हुए psychogymnastics बना हुआ है. तो psychogymnastics ये दोनों चीज को
आपको बहुत इजीली समझाने में मदद करेगा. So let's play a small game. ये पांच शेप्स हैं आपके सामने. Okay, the blue one is square, triangle, rectangle, circle, and the yellow squiggly line. Okay, intuitively, just choose one or two shapes which you are more attracted to. आपको लगता है कि शायद थोड़ा सा मैं ऐसा हो सकता हूँ. You are more attracted intuitively. Just choose one. There's a small announcement. Sorry to disturb. Very good. The CPA chat boxes will only be available after 5:30 at the registration desk.